उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बेच रहा था युवक कच्ची शराब बनाकर, पुलिस को मिली सूचना और फिर युवक को किया गया गिरफ्तार। उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में आने वाले गांव खरसोद खुर्द में हाथ से बनाकर कच्ची शराब बेच रहा था युवक। इंगोरिया पुलिस को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि खरसोद खुर्द गांव में कच्ची शराब बनाकर बड़े पैमाने पर बेची जा रही है और फिर इंगोरिया पुलिस ने घेराबंदी करके उक्त शराब बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है और कच्ची शराब जब्त की गई है, साथ ही में हजारों रुपए कीमत की। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। कच्ची शराब और महुआ जब्त किया गया है। इंगोरिया पुलिस ने जो है शराब जब्त की है, किस प्रकार से सूचनाएं मिली थी और क्या रहा? थाने पे वैसे लगातार सूचना मिल रही थी दूसरे सोर्स से, तो आज फिर सूचना मिली। थाना प्रभारी महोदय और हम लोग सब फोर्स के साथ में पहुंचे ग्राम खरसोद खुद। एक व्यक्ति था जो अपने खेत के पास में से शराब लेके जा रहा था, 10 लीटर शराब है लगभग, और जिसकी कीमत है लगभग 4000। उसको विधिवत वहाँ पर मौके पर ही जाके गिरफ्तार किया और मौके की कार्रवाई की। किस प्रकार से किस चीज़ की शराब बनती है और किस प्रकार से नुकसान की शराब है जो कि देखने में मतलब मानव जीवन के लिए हानिकारक है, उसे विधिवत वहाँ पे जब्त कर थाने पे लाया गया और प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। ठीक, विवेचना जारी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।